घर में जाने वाली हूँ मैं अपने मायके, तो उसका एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने घर जा रहे हैं। थोड़ा सा इनको अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि घूम आते हैं। बस फिर मैं आपको मिलती हूँ वहाँ जाके मायके में। और ये मेरी बाबू भी तैयार हो गई थी तो मैंने कुछ उसकी फ़ोटो डाली हुई है। आप बताइएगा कि वो हमारा देवू कैसा लग रहा था। अब आपसे मैं कुछ बातें करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, साकुशल होंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करिएगा। बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, जिसमें कि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आपने देख ही चुका है कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि हम लोग 3-4 महीने से कहीं गए नहीं थे। मैं भी अपने मायके नहीं आई थी क्योंकि मैं उनको छोड़ के नहीं आती हूँ, और उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था एक ही घर में रह रहकर। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे चलते हैं, कुछ दिन रहेंगे, 1-2 दिन, फिर उसके बाद चले जाएँगे हम अपने घर। और हमारा मायका और ससुराल आधे घंटे की दूरी में है, तो बस हमने ऑटो भी बुक किया और हम यहाँ आ गए। अभी हम 12 बजे आए हैं और अभी वो लेटे हुए हैं, और हमारी मम्मी भी कहीं गई हुई हैं, तो हमारे पापा ने भी बोला कि आ जाओ, क्योंकि उनको भी खाना पीना बनाना रहता है। पापा को भी पापा से आता नहीं है, हमारे रिलेशन में किसी की कमी हो गई थी तो वहीं पर गई हुई है मम्मी। वो भी आ जाएंगी 1-2 दिन बाद, और फिर हम भी चले जाएंगे 1-2 दिन बाद। और आगे मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। हमारे यहाँ गाय वगैरह भी हैं, और जो कि हमारे पापा ही देखभाल करते हैं उनकी, पापा और मम्मी। और पापा ने कुछ अपने घर में गार्डन सा थोड़ा पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको आगे। और जो मेरे हस्बैंड हैं, तो आप लोगों ने बोला कि आप अपनी वीडियो में उनको भी लेकर आएगा, मैं लेकर आऊँगी। पर अभी नया नया है तो वो कैमरे के सामने आते हैं ना, उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए मैं जब उनका मन हुआ करेगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, भला ही 1-2 मिनट के लेकर आऊँ, पर उनको लेकर ज़रूर आऊँगी। बस अभी थोड़ा सा उनको अजीब लग रहा है, और आप लोग का इतना साथ और सपोर्ट देख के उनको बहुत खुशी होती है। पर वो ना घबराते भी बहुत हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। और जब आप लोग कमेंट करते हो ना तो मैं उनको दिखाती हूँ। और हाँ, मैंने आपको बताया है कि मेरी इंस्टा आईडी बन गई है, तो मैं अपना बॉक्स में नीचे उसमें लिख दूँगी इंस्टा आईडी, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा, मैंने बना ली है। और बस मेरा आपको यहीं पे नमस्कार। आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी, क्योंकि मुझे गाय वगैरह देखने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिनके बच्चे होते हैं ना, हमारे यहाँ शुरू से गाय थी, जिनके बच्चे होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए ठीक है, आप चाहिए से नमस्कार। और आप देख लीजिए, हमारे देवू को भी कल रात से बहुत भूख चढ़ गया है तेज से, और उसको उल्टी दस्त हो रहा है। इतना अच्छा हमारा बाबू खेलता था, पता नहीं उसको क्या हो गया, कल से बहुत उसको उल्टियाँ हुई हैं, दस्त हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्म है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो देखिए आप, ये मोबाइल कैमरे के सामने रहता था तो इतना शांत नहीं रहता था ना, देखिए कितना शांत है ये। भैया नमस्ते कर लो सबसे, नमस्ते तो कर रहा है आप लोगों से, और जय जय कर दो, जय 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 जय। और सॉरी कैसे बोलते भैया, दोनों हाथ से सॉरी, दोनों हाथ से पकड़ो। अच्छा, देवू के बाल कहाँ हैं? देवू के बाल, देवू की कान नहीं करने बाल जल्दी से, भैया को बहुत ज़्यादा दस्त हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे घर में दो छोटी छोटी गाय हैं। आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ 3 गाय हैं,
उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अंदर बनती हैं गाय, बहुत क्यूट है। आप बताइएगा कितनी सुंदर है, देखिए देखिए देख लीजिए। और लाली लाली ये भूसा खा रही है, ये अंदर बनती है क्योंकि ये छोटी छोटी है, आप देख लीजिए ये तो छोटी छोटी हैं। और आपको और आगे गाय देखने मिलेंगी और बताऊंगी मैं। बन रही पापा, ये अंदर बनती हाँ। और ये देवू अपने नाना जी के साथ बिस्किट खा रहा था। मैं गंदी चीज नहीं खिला सकता रही। और ये अब देखिए सुबह हो चुकी है और यहाँ हमारी देवू उठ चुकी है। हाँ अभी 9 बज रहे हैं। इतना और आज वो रो रही है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी थोड़ा सा, उसको उल्टी दस्त हो रहे थे। हेलो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह सुबह का टाइम है और हमारी भैया उठ गई है और उसके पापा मुंह हाथ धुलने गए हुए हैं। उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, उसकी दब्बू करा के लाए हैं कल। नहीं रोते भैया, ये देखो 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 तो ना, इसको सर उल्टी और दस्त हो रहा है। रुको अभी पी लीजिए चाय, आज बड़े दिनों बाद दूध वाली चाय मिल रही है, देखिए। चलिए आप थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख लीजिए। ये बाहर की गाय बंधी हुई थी और ये सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने ले लिया था। अभी गाय लग चुकी है तो बस उसका बछड़ा पी रहा था। और ये कुछ पापा ने भी लगाया हुआ है लॉक की, और पापा से ही मैंने सीखा है कि पापा कैसे लगाते थे, तो इसलिए मैं अपने घर के बीज वगैरह ले गई थी। ये सब्जी वाला निकला है तो उसी की आवाज़ आ रही थी। और ये देखिए अनार भी पापा ने लगाया हुआ था, तो खूब अनार भी लगे हुए हैं हमारे घर में। ये गाय की मड़ैया टाइप की है, गाय का घर है, पापा ने बनाया हुआ है। ये एक गाय अंदर है, एक गाय बाहर है और एक गाय कहीं बंद हो गई क्योंकि कल नर्मदा जयंती थी तो वो रोड में रही तो उसको कोई मतलब कांजी हाउस वाले ले गए हैं, अब उसको छुड़ाने भी जाएंगे पापा। और ये मुनगा का झाड़ भी लगा हुआ है, ये पपीते हैं, ये सब पापा ने लगाए हुआ है। और पापा ने कुछ दिन पहले मूली वगैरह मेथी वगैरह सब लगाई थी पर अब वो सब ख़राब हो गई हैं। और ये और अनार देख लीजिए, ये 12 महीने अनार फलता है, पता है आपको। और हम अपनी इंस्टा आईडी अपने नीचे बॉक्स में लिख देंगे, प्लीज़ आप मुझे वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। और आगे चल के हम आपसे आपको अपने पापा से मिलवाते हैं, मिल लीजिए। अब गुड मॉर्निंग, आओ भैया देव आ जाओ प्लीज। ये हमारी कुछ फ़ोटो, और पापा भी ना पहली बार आए हैं कैमरे के सामने तो थोड़ा सा उनको अजीब लग रहा था। ठीक है अब बाय बाय, टेक केयर।